नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। स्मार्टर एवरीडे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी के दो लेसन प्लान जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ये है लेसन नंबर प्लान नंबर 3 और हिंदी का है जिसका प्रकरण है, टॉपिक है क्या लिखूं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं सामने, ये क्या है, ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है जो हमें ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करना है। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक होता है उससे रिलेटेड उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो अब देखिए, इसके क्या लिखूं, इसके सामान्य उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इनको नोट कर लें। ठीक है, तो आप इनको साथ में नोट कर लें। इसके बाद बात करेंगे, देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ये हमारे जैसे विशिष्ट उद्देश्य पहले ज्ञानात्मक हो गया। ठीक है, ज्ञानात्मक, अभिरुचियात्मक, अभिप्रेरणात्मक और फिर इसके बाद होगा फिर है अभिवृत्तियात्मक, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे कि ये एक कॉलम बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु होगा, शिक्षक, शिक्षण उद्देश्य होगा, शिक्षण बिंदु हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण एवं नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरित करना। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो छात्राध्यापिका है वो ज्ञात से अज्ञात की इस शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षार्थी और नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणार्थ अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। तो प्रस्तावना प्रश्न में देखो क्या पूछा है टीचर ने, बच्चों कुछ हिंदी लेखकों के नाम बताओ। बच्चे बता सकते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत आदि। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, ये सब कौन है, ये सब लेखक हैं। लेखक क्या करते हैं, लेखक सोचते हैं कि क्या लिखूं। अब यहीं से इनको टॉपिक मिल जाएगा, क्या लिखूं के विषय में क्या जानते हो, ये उनका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसके बाद ये उनका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब शिक्षण बिंदु में क्या पड़ेगा, उद्देश्य कथन, उद्देश्य को स्पष्ट करना एवं पाठोन्मुख करना। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं के विषय में ज्ञानार्जन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु को स्पष्ट करना। ठीक, ये जो है मुझे आज से सोने होते हैं, ये उसका पैराग्राफ है जो पढ़ाना है। आदर्श वाचन, श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका छोचित स्वर में विरामादि चिन्हों का प्रयोग करते हुए प्रभावपूर्ण रीत से गद्यांश का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगी। अनुवाचन कौशल, वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन करने का निर्देश देगी एवं सावधानीपूर्वक सुनेगी। फिर है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण एवं लेखन दोषों को दूर करना। अनुवाचन में किए गए अशुद्धोच्चारित शब्दों का संशोधन श्यामपट्ट के माध्यम से करेगी। तो इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। अब अगला फिर क्या है, शिक्षण विधि, शिक्षण बिंदु क्या है, बोध प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य, शीघ्र अवबोध शक्ति का विकास करना। जैसे मुझे कैसा निबंध लिखना नहीं आता, मुझे साधारण निबंध लिखना नहीं आता, आज मुझे किसके लिए निबंध लिखना है, आज मुझे अमिता और नमिता के लिए निबंध लिखना है, दूर के ढोल कैसे होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। कठिनाई निवारण, कठिन का निवारण, कठिनाई का, कठिन शब्दों का अर्थबोध करना। विभिन्न विधियों के माध्यम से श्यामपट्ट पर कठिन शब्दों के अर्थ बताएगी छात्राध्यापिका। ठीक है, अब देखिए जो कठिन शब्द है उनका अर्थ बताया गया है और फिर उनको किस विधि से प्रयोग किया गया है वो विधि यहाँ बताई गई है। स्मारक जो है वो स्मृति दिलाने वाला और अर्थ कथन है इसका, जिसकी याद में स्मृति चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें स्मारक कहते हैं। इस प्रकार से ये पूरा दिया गया है, आप इसको रीड कर लें, पढ़ लें, देख लें। और फिर आगे नेक्स्ट, श्यामपट्टकार पर्यवेक्षण।
लेखन कौशल का विकास करना। श्यामपट पर लिखे गए कठिन शब्दों को अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगी। और अध्यापिका कथन क्या है कि भाव स्पष्टीकरण एवं अर्थ ज्ञान अपने व्याख्यान में कहानी का सारांश बताएगी। ये उसका पूरा सारांश है कहानी का, ठीक है, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप इसको नोट कर लें पूरे लेसन प्लान को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक है, ये नहीं होता है तक, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब आगे है शिक्षण बिंदु, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, विचार शक्ति एवं विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका छात्रों की विचार शक्ति विकास के लिए प्रश्न पूछेगी, मुझमें किसकी प्रतिभा नहीं है, मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप इनको देख लें। फिर मौन वाचन, मनन शक्ति का विकास करना, सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देगी है। और फिर पुनरावृत्तात्मक प्रश्न, प्राप्त ज्ञान को स्थिर करना, समग्र पाठ का मूल्यांकन करने के लिए छात्राध्यापिका निम्न प्रश्न पूछेगी, क्या प्रश्न पूछेगी, ये है प्रश्न, ए जी गार्डिनर किस निबंध के प्रसिद्ध लेखक थे, आधुनिक समाज सुधारकों में लेखक ने अंतिम समाज सुधारक किसे माना। यहाँ तक कि लेसन प्लान कंप्लीट होता है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम ये ग्रहकार उसमें जो ये ब्लैक बोर्ड है जब तक ये हम पेस्ट नहीं करेंगे लास्ट में, तो जो हमारा लेसन प्लान है वो काट दिया जाएगा, गलत माना जाएगा। पूरा लेसन प्लान पढ़ाने के बाद क्लास में हमको ग्रहकार जरूर देना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लेसन प्लान पूरा होता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।